नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं, आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। सीएम योगी विधानसभा में नेता विपक्ष बने माता प्रसाद पांडे को बधाई दे रहे थे और उसी दौरान उनके बगल में बैठे शिवपाल सिंह यादव को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की। आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। असल में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को यूपी में नेता विपक्ष का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अखिलेश ने सदन में अपनी कुर्सी ब्राह्मण जाति से आने वाले माता प्रसाद पांडे को दे दी। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखे समाजवादी हैं। आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं ना कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ यहाँ बैठ गए। योगी ने चचा को गच्चा का जिक्र किया तो चाचा शिवपाल भी पीछे नहीं रहे, मौका मिलते ही डिप्टी सीएम के बहाने योगी को सुना दिया। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया। जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, और आपके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा दें। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच तनातनी की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। चचा को गच्चा वाले बयान पर जब अखिलेश यादव से दिल्ली में पूछा गया तो देखिए क्या जवाब दिया। अखिलेश यादव हमारे साथ में, योगी नहीं कह रहे कि चाचा को धोखा दे दिया आपने? नहीं नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज गांव में हफ्तों हफ्तों बिजली नहीं आ रही है, तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं अगर इन सब बातों पे अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोजगार पे ध्यान देंगे तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश की हित की बात होगी। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार। चचा और गच्चा वाले बयान की चर्चा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हो रही है और इसी बहाने एक दूसरे पर बयानों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं। आज योगी जी ने कहा कि चाचा को गच्चा दे दिया भतीजे ने, आप तो थे वहाँ पर, इसलिए आपका बयान महत्वपूर्ण, इस पर आप नेता प्रतिपक्ष हैं। तो हमने तो कहा ही था, शिवपाल जी ने तो कहा ही, जवाब भी दे दिया कि 3 साल आपके साथ रहा, आपने मुझे गच्चा दे दिया और उसका परिणाम मिला कि आप पूरी तरह से हार गए। गच्चे वाली बात इतनी ज्यादा क्यों हो रही है इस समय? पता नहीं, वो हमेशा कहते रहे उसका ऐसे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।